ये जो मेरा इधर ट्रिप है उसमें ये है कि USAID वालों के साथ बात करना, ये जो यहाँ पे कैपिटल हिल में लोग जो हैं जो कैरी लोग बर्मन बिल से रिलेटेड हैं उनको बताने के लिए कि जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन के लिए जो असिस्टेंस दी जा रही है या दूसरे एरियाज़ में दी जा रही है उसमें एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या रिजल्ट निकल रही है, इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। विद द नंबर ऑफ पीपल दैट आर बींग बॉर्न सो वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ पुअर आर एक्चुअली राइजिंग। हमारा जो जनरली स्पीकिंग एजुकेशन सिस्टम है लोअर लेवल पे वो हमारा फेल हो चुका है और उसकी वजह से ये है कि हमारा आगे चल के उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है कि एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट क्रिएट हो जाता है। उसके काउंटर में ये है कि जो हमारा हायर एजुकेशन सेक्टर है, जो हायर एजुकेशन कमीशन भी है, जो वो काम करता आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं, वो एक शाइनिंग स्टार है, उसने काफ़ी रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यही मॉडल को जो कि हमारी डोनर एजेंसीज आती हैं और एड एजेंसीज आती हैं, यही मॉडल को वो रेप्लिकेट करें लोअर एजुकेशन पे, तो उसमें भी वो लोग बेहतर रिजल्ट्स देखेंगे और उससे हम जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसका मुकाबला बेहतर कर सकेंगे। लेकिन हायर एजुकेशन एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी 18th अमेंडमेंट के बाद ज़्यादा प्रोटेक्ट हो गया, बिकॉज 18th अमेंडमेंट से पहले हायर एजुकेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ भी नहीं था, सिर्फ एजुकेशन था। अब हायर एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है लिस्ट 2 में, तो हायर एजुकेशन इज़ वेरी मच फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। और वो जो कन्फ्यूजन था वो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आ गई जिन्होंने बोला कि हायर एजुकेशन ऑफ कोर्स है, जब तक आप लॉ चेंज नहीं कर सकते वो कुछ है। तो अब मेरा ख्याल से उसके बाद वो कन्फ्यूजन दूर हो गया है। हम लोगों ने हर चीज़ को क्राइटेरिया सेटअप किया हुआ है। अब वाइस चांसलर के लिए भी हमारे क्वान्टिटेटिव पैरामीटर्स हैं जिसके तहत जब लोग अप्लाई करते हैं तो उससे वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, 135 पॉइंट्स होते हैं, और जो उसमें शॉर्ट लिस्ट में हाई स्कोर करते हैं वो बेसिकली उनके इंटरव्यूज़ होते हैं। तो अब ऑफकोर्स बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दूर करने के लिए, पर हमारी पूरी कोशिश ये है कि हर जगह पे फैकल्टी में भी पहले सिर्फ अपॉइंटमेंट्स होते थे, प्रमोशंस होते थे, अब वो प्रमोशंस नहीं होते हैं, अब वो परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया है जिसके तहत प्रमोशन होते हैं। तो आप पहले था कि आप 6 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहे तो आप एसोसिएट बन गए, आप 6 साल रहे तो आप प्रोफेसर बन गए, अब ऐसा नहीं है, आप सारी ज़िंदगी रह सकते हैं कि जब तक आपने इतनी पब्लिकेशंस नहीं की, आपने इतने PhD स्टूडेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए। तो अब जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, टेन्यू ट्रैक की भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, तो अब इसमें मेरिट आ गया है। वेल, इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान मिला के हमारे 7,500 PhD स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 3,500 पाकिस्तान से बाहर हैं, 4,000 पाकिस्तान के अंदर हैं, और ये समझते हैं कि अगले 3 से 5 साल में ये ग्रेजुएट करके हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन करेंगे। पर इसके अलावा भी हमें 10,000 और चाहिए। अभी हमारे पास फैकल्टी में तकरीबन 20,000 फैकल्टी है और 20,000 में से हमारे पास 6,000 के पास PhDs हैं। अगले 10 साल में हमारी फैकल्टी की जो स्ट्रेंथ है वो 40,000 हो जाएगी। तो एक तो वैसे ही ग्रोथ हो रही है, तो हमें चाहिए कि हमें 10,000 नए PhDs और फैकल्टी में चाहिए, और फिर भी जो हमारा परसेंटेज होगा वो 25-30% से ज़्यादा नहीं होगा। मैंने कोशिश ये की है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हो, इवन जो स्कॉलरशिप्स जो अवार्ड होती हैं उनकी अवार्ड के लिए ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रैवल ग्रांट्स के लिए ट्रांसपेरेंसी हो, हर चीज़ के पॉइंट्स हैं, और हर चीज़ को अगर जिसको नहीं मिलती है तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपको क्यों नहीं मिली है। तो एटलीस्ट पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत मुश्किल है करप्शन कल्चर से दूर होना, लेकिन चीज़ों को अगर आप जितना ट्रांसपेरेंट कर सकें और हर चीज़ को अकाउंटेबल करें। मैं हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई करप्शन है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। समबडी आई वुड नॉट मेंशन, ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कमिंग फ्रॉम द ट्राइबल एजेंसीज सेज एवरी टाइम आई गो बैक ऑन अ ईयरली बेसिस द नंबर ऑफ मदरसास आर इंक्रीजिंग एंड अ न्यू फिनोमेना दैट यू एक्चुअली मेंशन ही सेज व्हिच इज नॉट इवन डॉक्यूमेंटेड ही सेज इवन इन माय टेरिटरी देयर वर नो फीमेल मदरसास एंड नाउ आई सी फीमेल मदरसास हैपनिंग।